दोस्तों विनोद खन्ना 70 और 80 के दशक के मशहूर अभिनेता माने जाते हैं। इन्होंने मेरा गांव मेरा देश, दयावान, दो शिकारी जैसी कई सुपरहिट फिल्में बॉलीवुड को दी। तो वहीं इनका बेटा अक्षय खन्ना भी बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना अभिनेता माना जाता है। इन्होंने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में दी है, लेकिन आज ये कई सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री से गायब है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं अक्षय खन्ना आज कहाँ है, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं? ये सभी बातें जानने के लिए हमारे वीडियो के एंड तक बने रहें, और साथ ही अक्षय खन्ना और विनोद खन्ना के शानदार अभिनय के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अक्षय खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 को मुंबई में हुआ। उनके पिता विनोद खन्ना बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हुआ करते थे। अपने पिता के शानदार अभिनय को देखते हुए इनकी भी बॉलीवुड फिल्मों में रुचि बढ़ने लगी और इन्होंने भी बॉलीवुड में अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया। इन्होंने नमित कपूर एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग सीखी और फिल्म हिमालय पुत्र से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर उनके पिता विनोद खन्ना ही थे, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। उसके बाद ये फिल्म बॉर्डर में नजर आए। इस फिल्म में इनके साथ बॉलीवुड के और भी कई दिग्गज कलाकार मौजूद थे, तो वहीं इनको इस फिल्म के लिए पहला फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। हम आपको बता दें कि फिल्म आ अब लौट चले और ताल बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई। इस फिल्म में इनके साथ ऐश्वर्या राय बच्चन नजर आई, तो वहीं इन्होंने बॉलीवुड में न सिर्फ पॉजिटिव रोल किए बल्कि ये फिल्म हमराज में नेगेटिव किरदार निभाते हुए नजर आए, जो कि सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। इन्होंने स्टारडम हासिल करने के लिए कॉमेडी फिल्मों का भी सहारा लिया। इनको फिल्म हंगामा और मेरे बाप पहले आप जैसी फिल्मों में कॉमेडी करते हुए देखा गया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसी दौरान उनके पिता विनोद खन्ना की मौत हो गई और उसके बाद इन्होंने बॉलीवुड से 5 साल का लंबा ब्रेक ले लिया। इनको आखिरी बार फिल्म डिशुम में देखा गया, लेकिन आज भी ये पहले जितने हैंडसम लगते हैं जो आज की इनकी तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आप सभी को अक्षय खन्ना की कौन सी फिल्म बेहद पसंद है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही बॉलीवुड से जुड़े और भी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।